चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। एंड यू नो व्हाट, मैं एक चीज कहता हूँ, आई रियली वांट टू टेल यू समथिंग कि हम जो यूट्यूबर्स, स्पेशली टेक यूट्यूबर्स होते हैं, वी आर अ लकी ट्राइब। हमें सब जो नए नए फोन्स होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह होती है, वो फर्स्ट हैंड इस्तेमाल करने को मिलती है। जी हाँ, मुझे पता है कि मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर वॉन्ट टू यूज द टेक, लेकिन क्या करें, हमारा प्रोफेशन है और आई एंजॉय इट। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो साल गया है इसमें मैं बताने वाला हूं मैंने कौन सी टेक्नोलॉजीज, स्पेशली स्मार्टफोन रिलेटेड टेक, मैंने कौन सा इस्तेमाल किया है। यस, इट्स गोइंग टू बी अ क्विक वीडियो, जल्दी बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यस, दीज आर द टेक दैट आई यूज इन 2020। चालू करने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन्स, कौन से स्मार्टफोन्स मैंने इस्तेमाल किए। सबसे ज्यादा मैंने इस्तेमाल किया आईफोन 11 प्रो मैक्स। जी हाँ, ये जो फोन है, कुछ दिसंबर में हमने वीडियो किया था, उसके बाद में मैंने इस्तेमाल करना चालू किया और मिड मई तक दोस्तों, फ्रॉम जैन टू मिड मई मैं उसे इस्तेमाल कर रहा था। जनरली मैं 2 या 3 महीने इस्तेमाल करता हूँ और पूरे बहुत सारे जो वीडियोस हमने शूट किए पैंडेमिक में घर से, वो पूरे आईफोन 11 प्रो मैक्स पे हुए। एंड सीरियसली आई फेल इन लव विद द वीडियो क्वालिटी ऑफ आईफोन। मई, जून, जुलाई, इसमें दोस्तों मैंने OnePlus 8 इस्तेमाल किया, OnePlus 8 प्रो इस्तेमाल किया। जी हाँ, इट वॉज वेरी डिफरेंट। इनफैक्ट मैंने कुछ 10 साल एंड्रॉयड इस्तेमाल करने के बाद iOS पे आया, उसके ऊपर मैंने वीडियो किया हुआ है, नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और फिर iOS से जब मैं एंड्रॉयड पे शिफ्ट हुआ OnePlus 8 एंड देन OnePlus 8 प्रो के साथ, तो मुझे थोड़ा अलग लगा। फिर भी आई टेल यू व्हाट, अगर आप मुझसे पूछते हो एंड्रॉयड और iOS, मैं कहूँगा आई एम अ एंड्रॉयड मैन। इवन दो अभी मैं आईफोन 12 प्रो मैक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ओनली फॉर वीडियोज, बहुत सारे वीडियो शूट करता हूँ, सो दैट इज माई प्राइमरी फोन, और दूसरा जो है वो एंड्रॉयड है OnePlus 8। दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्ट वॉचेस के बारे में। दो वॉच सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए, दूसरे 2-3 मैंने 1-2 दिन ट्राई किया, अच्छे नहीं लगे, निकाल दिए। आई टेल यू, Amazfit GTR। जब मैं एक स्मार्ट वॉच चूज करता हूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है बैटरी लाइफ। जी हाँ, सोचिए अगर 1 या 2 दिन बैटरी लाइफ हो स्मार्ट वॉच की, क्या फ़ायदा। मतलब हर रोज़ आप चार्ज करते हो, तब निकाल के रखते हो, तो आपके जो ट्रैकिंग होता है, जो फिटनेस ट्रैकिंग होता है, स्टेप्स ट्रैकिंग होता है, स्लीप ट्रैकिंग होता है, रात को अगर आप चार्ज करने को रखते हो, फ़ायदा क्या उस वॉच का। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी लाइफ। Amazfit GTR हैड अ ग्रेट बैटरी लाइफ एंड सो डज Honor GS Pro। दोस्तों ये मैं इस्तेमाल करता हूँ लिटरली, आई टेल यू, 2 से 3 हफ्ते, इनफैक्ट अबाउट 18-20 डेज तक मुझे ये बैटरी जाती है। और सोचिए प्रॉपरली मैं हेल्थ फिटनेस वगैरह सब ट्रैक करता हूँ, सुबह भागता हूँ वो भी इसके ऊपर ट्रैक करता हूँ, सो आई रियली लाइक इट। बीच में दोस्तों जब एप्पल का सीरीज 6 वॉच आया था, मैंने उसे इस्तेमाल किया 1 दिन के लिए, 1 दिन में 100% से शाम तक बैटरी खत्म हो गई, मैंने निकाल के रख दिया। कितने भी अच्छे फीचर्स होने दो दोस्तों, अगर बैटरी आपकी दिन भर नहीं जाती है, व्हाट्स द यूज, आई मीन सीरियसली, एंड दैट्स व्हाई आई प्रीफर दिस वॉचेस with long battery life. All right, दोस्तों टैबलेट का फायदा, मतलब मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट। अगर मैं टैबलेट के बारे में बात करूँ तो 2 टैब्स मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है और वो है iPad Pro, और वो मेरे बैग में होता है। येस, इट इज़ देयर विथ मी 24/7। मैं ऑफिस पे तो नहीं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जब घर पे जाता हूँ, कुछ मुझे लिखना वगैरह होता है, विद दैट कीबोर्ड आई राइट इट एंड दैट्स अबाउट इट। मतलब राइट नहीं, टाइप करते हैं, कीबोर्ड के साथ राइट कैसे करते हैं, टाइप करते हैं दोस्तों, तो टाइप वगैरह करता हूँ, इट इज़ मच मोर ईजियर। वैसे दोस्तों एप्पल पेंसिल जो है वो मैंने खरीदी है, आईपैड प्रो तो मुझे रिव्यू के लिए आया था, बट जो पेंसिल है वो मैंने खुद ने खरीदी, एंड आई टेल यू व्हाट, इट इज़ नाइस। उसके ऊपर लिखना भी ऐसे लगता है पेपर के ऊपर लिख रहे हैं, वेरी नाइस। और हाँ, ऑफिस में दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस इस्तेमाल करता हूँ प्रॉम्प्टिंग के लिए, या फिर मुझे पॉइंटर्स वगैरह लिखने होते हैं, कभी कभी आउटडोर में आस्क रून वगैरह कर रहा हूँ, तो वी यूज दैट टैब टू सी योर क्वेश्चंस। तो यस, दीज आर द 2 टैब्स आई यूज्ड इन 2020। घर पे टीवी, ओके, OnePlus Q1 Pro, जी हाँ, वो जो साउंड बार नीचे आता है बहुत ब्यूटीफुली और ऊपर जाता है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरे एक रूम में वो है। और जो मेन हमारा हॉल है दोस्तों, बड़ा है थोड़ा, तो उधर मैं सोनी का जो 65 इंचेस का टीवी है, उसका भी रिव्यू किया हुआ है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा है। तो ये 2 TVs घर पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, वैसे ऑफिस में बहुत सारे टीवीज हैं रखे हुए हैं। ऑलराइट, लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं, जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। जब वीडियोस नहीं करता हूँ तो मेरी जगह पे जाके लैपटॉप पे ही मैं काम करता हूँ।
पहले मैं Asus Vivo Book फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर नहीं, इनफैक्ट 8-9 महीने मैं Vivo Book पे ही था Asus का। बहुत अच्छा है दोस्तों, 15 इंच की स्क्रीन है, वेरी नाइस, वेरी फास्ट i7 वगैरह प्रोसेसर है, आई लव्ड इट। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जहाँ पे पहली बार मैं एक मैक पे गया, यस मैकबुक एयर M1। अभी भी आई एम स्टिल गेटिंग यूज टू इट, एक महीना भी नहीं हुआ दोस्तों, मैंने वीडियो किया हुआ है उसके ऊपर भी, एक महीना भी नहीं हुआ, बट आई टेल यू वॉट, इट इज़ स्मूथ एज मक्खन, मक्खन के जैसे स्मूथ है। वैसे दोस्तों कीबोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि उसी के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा टाइप करता हूँ, टाइप करता हूँ। जी हाँ, लॉजिटेक का K480 iOS के साथ वायरलेसली कनेक्ट होता है, एक ही बटन है, एंड्रॉयड पे कनेक्ट होता है, स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, विंडोज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड iOS के साथ, मतलब आपको आईफोन के साथ कनेक्ट करना है या फिर मेरा जो मैकबुक है उसके साथ, सो इट इज़ ऑल इन वन वायरलेस कीबोर्ड और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे दोस्तों जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक इट आउट। वैसे कीबोर्ड अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली लॉजिटेक का कीबोर्ड ज़रूर देखिए, वेरी नाइस। बात करते हैं TWS के बारे में, दो ही इस्तेमाल किए एंड दे आर द बेस्ट, लेकिन सबसे टॉप पे मैं कहूंगा एयरपॉड्स प्रो, ब्यूटिफुल, उसका जो नॉइस कैंसलिंग है नेक्स्ट लेवल है दोस्तों, इट कांट बी मैच्ड, एंड यस प्राइस भी नेक्स्ट लेवल ही है, इट कांट बी मैच्ड। वैसे सैमसंग के बड्स लाइव भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, आई रियली लाइक देयर शेप, मतलब वो फुल इन ईयर है, जब मेरे एयरपॉड्स प्रो दोनों भी मेरे बैग में होते हैं, एयरपॉड्स प्रो की बैटरी खत्म हो गई तो मैं इन्हें इस्तेमाल करता हूँ एज अ बैकअप, बट बोथ ऑफ देम आर क्वाइट गुड, बट एयरपॉड्स प्रो ही है। यही था, वैसे बहुत सारे, मतलब पावर बैंक्स, स्मार्ट बल्ब्स, स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की, उसके बारे में नहीं कहूँगा वरना ये वीडियो एक घंटे का हो जाएगा। ये जो टेक था दोस्तों ये मैंने इस्तेमाल किया 2020 में। वैसे आपको मुझे कमेंट्स में बताना है व्हाट टेक हैव यू यूज्ड, तीन ही चीजें बताइए जो आपने 2020 में इस्तेमाल की टेक की, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।